नमस्ते, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला, यहां शाहबाद कोतवाली क्षेत्र है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव है दौलतियापुर। यहां रविवार को एक शादीशुदा युवती की हत्या हो गई थी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी, पड़ताल की जा रही थी कि आखिर इस युवती की हत्या किसने की है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि इस युवती की हत्या युवती के ही माँ बाप ने की। दरअसल शादीशुदा युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक से चल रहा था। इस बात से उसके माँ बाप नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रकरण थाना शाहबाद क्षेत्र जनपद हरदोई का है। यहाँ पर अभी एक शादीशुदा महिला का मृत शरीर उसके गांव में उसके घर के पास गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला था। इस सूचना पर तत्काल शाहबाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। फील्ड यूनिट आदमी के द्वारा निरीक्षण किया गया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में थ्रॉटलिंग आई, यानी कि मर्डर का मामला सामने आया। यह एक अज्ञात मर्डर था। इसके खुलासे के लिए थाना प्रभारी शाहबाद शिव शंकर सिंह और उनके साथ तीन टीमें लगाई गई थी, जिनको सफलता मिली है। उस अज्ञात ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मर्डर में मृतका के माता पिता ही शामिल पाए गए हैं। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। उनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। इसमें जो मकसद सामने आया वो ये है कि मृतका शादीशुदा होने के बावजूद भी गांव के ही एक लड़के से बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल से बात किया करती थी, जिसका उसके माता पिता लोकलाज का भय उनको सता रहा था। इसी के मद्देनज़र शुद्ध होकर के क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी ही शादीशुदा लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर के गला दबा करके उसकी हत्या कर दी।